नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का समय 11:30 बज चुका है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं। तो मैं बता दूँ कि क्वाड टीम ग्रुप जो है वो आने वाले 2022 तक सभी एशियाई देशों को लगभग 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज देने जा रही है। तो क्या है इसमें कुछ खास, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आगे। और चलिए आज बता दूं कि सरकार ने निजी निवेशक के लिए जो है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल बनाने का काम शुरू कर दिया है। 15 मई तक इसको तैयार हो जाएगा। तो इसमें क्या कुछ खास है उसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। और बता दूँ कि पहली बार कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया अकाउंट जो है जांच कर रही है सीआईडी। इसमें एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है जिससे कर्मचारियों में दहशत भी है। तो इसमें क्या कुछ विशेष रूप से जो निकल के आए हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और बता दूं कि WHO के वैज्ञानिकों का दावा है कि वुहान वेट मार्केट से जो संक्रमण फैलने का संभावना है, ये बातें जो है उन्होंने कही है एक जाँच में। और बता दूं कि कोरोना से बचाव के परोपकार में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत। लगभग 70 देशों तक जो है हमारे कोरोना की हमारी वैक्सीन पहुंची है और लगभग 6 करोड़ के आसपास भारत जो है वैक्सीन दे चुका है। 36 देशों को लगभग 80 लाख डोज दान में दिया है और 24 देशों को लगभग 3.5 करोड़ डोज बेचे भी हैं। 31 देशों को लगभग 1.5 करोड़ से अधिक डोज जो है वैश्वीकरण टीकाकरण कोवैक्स के तहत जो है दी गई है। तो भारत लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये थी देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। तो चलिए आगे विस्तार से चर्चा करते हैं, जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और उनके जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि एक स्पेशल टॉपिक पर जो है एवरी डे डिस्कशन की जाती है, बेसिक से बेसिक पॉइंट उसमें बताए जाते हैं। उसका थाट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो कि प्रत्येक दिन में स्पेशल एज ए टॉपिक के रूप में ला रहा हूँ, जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1951 में ईरानी तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। आज ही के दिन वर्ष 1985 में पहला इंटरनेट डोमेन symbolics.com पंजीकृत किया गया था। भारत में बात की जाए तो पहला वेबसाइट BJP का और द हिंदू का बनाया गया था। नेक्स्ट, आज ही के दिन वर्ष 2011 में सीरियाई नागरिक युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1934 में भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी अजीत पाल सिंह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 2009 में भारत की प्रथम महिला विमान चालक सरला ठकराल का निधन हुआ था। ये प्रथम विमान चालक हैं भारत की। आज ही के दिन वर्ष 1888 में एंग्लो तिब्बत युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो ये थी आज का इतिहास जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है खास इसमें, क्योंकि स्पेशल टॉपिक स्पेशल पॉइंट्स जो है आपको बेसिक पॉइंट्स आपको इसमें बताने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे की ओर चलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है डिस्कशन की जाती है। तो एवरीडे इस इम्पॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए और लोगों को ज़रूर शेयर करें। तो फटाफट थम्सअप करते चलिए जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। कॉलेज में इंजीनियरिंग और तकनीकी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए अब 12वीं में फिजिक्स मैथ लेना जरूरी नहीं होगा, तो किसने कहा है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी कैंडिडेट हैं 12 के जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से बी या बी टेक करना कर रहे हैं, अब उनको हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो अदर वोकेशनल कोर्स या अदर स्ट्रीम से भी जो है बी ए बी टेक कर सकते हैं 2021-22 के सेशन में। इनमें से कोई भी 3 विषय लेकर स्टूडेंट अगर 12वीं पास की है तो उससे बी ई बी टेक में एडमिशन मिल जाएगा। SAICTE ने इंजीनियरिंग और तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नए नियम जारी किए हैं। बदले नियम शिक्षा सत्र 2021-22 से लागू हो जाएंगे देश भर में। AICTE के मुताबिक इस बदलाव से BE/BTech जैसे पाठ्यक्रम में दरवाजे मेडिसिन, कॉमर्स और व्यावसायिक शिक्षा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी खुलेंगे। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन जो है लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका ड्रीम होता था, जिनका लक्ष्य होता था कि मैं जो है BE/BTech करूंगा और एक अच्छा प्रोफेशनल होल्डर बनूंगा, लेकिन नहीं कर पाते थे मजबूरी बस। तो अब जो है रास्ता खुल चुका है। तो चलिए जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे क्या है, आज का खास क्या है, वो मोटिवेट कर रही है हमें। तो भरोसा ईश्वर पर हो तो
भरोसा इस पर हो तो जो लिखा हुआ तकदीर में वही पाओगे, जो लिखा हुआ तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर हो तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। बहुत अच्छी लाइन है आज का, जो बिल्कुल सही बात है कि जो तकदीर पे होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं मेरा 90% लक है, 10% ही हमारी मेहनत होती है, लेकिन बट वो ऐसा नहीं। आपका मात्र 10% लक और 90% आपके कंट्रीब्यूशन होता है, आपका लेबर होता है, आपका हार्ड वर्क होता है। तो आप किस्मत को, लक को मत उसमें दोष दीजिए या उस पर मत आजमाइए। आप अपना लगातार मेहनत कीजिए, 100% देने की कोशिश कीजिए और या 99% करने की कोशिश कीजिए, मात्र 1% लक को दीजिए, तभी आपकी जो है चल पड़ेगी। आप बोल सकते हो आपकी ड्रीम पूरा होगी, आप अपना अचीवमेंट को समय पर प्राप्त करोगे। तो अपना मेहनत जारी रखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के क्लास में क्या है खास, तो फटाफट जानते हैं। तो आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल लेकर कॉपी लेकर तैयार रहिए इसका नोट्स तैयार करने के लिए। और बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो कल का क्लास आपने नहीं किया है तो उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सभी कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के सोशल अकाउंट की जांच करेगी CID। तो एक सर्कुलर से जो है कश्मीर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के में दहशत फैल गया है, लोग अपना अकाउंट जो है डिलीट कर रहे हैं। तो ट्विटर से अकाउंट सस्पेंड करने को भी जो है इसमें कहा गया था। फरवरी में सरकार के एक आदेश जारी किया गया था, इसमें कलेक्टरों को उन सभी कर्मचारियों का विवरण देने को कहा गया था जो 31 दिसंबर 2021 तक 22 वर्ष की सेवा पूरी करेंगे या 48 वर्ष के हो जाएंगे। इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनीतिक गतिविधियों में कर्मचारियों की भागीदारी के बारे में विवरण मांगा गया है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 70 हटाने के तुरंत बाद केंद्र ने ट्विटर से घाटी में शांति भंग करने के लिए अफवाहें फैलाने और लोगों का अकाउंट सस्पेंड करने को भी कहा है। ये सभी बातें निकल कर आई है, जिसमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वाड समूह में शामिल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साल 2022 तक के अंत में दक्षिण एशियाई एशिया देशों को कोरोना वैक्सीन के 1 अरब डोज देने जा रहे हैं। तो क्वाड के जरिए जो है चीन की ब्लैकमेलिंग का जो काम हो रहा है चीन के द्वारा, उसको हल दुनिया निकालना चाह रही है। भारत अमेरिका की तकनीकी और जापान की लॉजिस्टिक का उपयोग करेगा। चीन की घेराबंदी करने के लिए जो है बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्वाड की पहली बैठक में चारों देशों ने यह सामूहिक वादा किया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े वैक्सीन सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए भारत को 100 करोड़ वैक्सीन डोज बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। क्वाड की मीटिंग में फैसला हुआ है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी का भारत उपयोग करेगा, जापानी लॉजिस्टिक क्षमता का भी भारत उपयोग करेगा। नेक्स्ट बता दूँ कि पंजाब सहित 3 राज्यों में बल्क ड्रग्स पार्क बनाए जा रहे हैं। तो जिन राज्यों में 500 से 800 एकड़ जमीन है उन्हें 10 अंक 801 से एकड़ एक से अधिक एकड़ हैं या 1000 एकड़ जमीन पर 15 से ज़्यादा भूमि पर 25 अंक तय किए गए हैं। बिजली इस तरह से चीन पर 70% से ज़्यादा निर्भरता जो भारत की है वो ख़त्म हो जाएगी और भारत जो है इस तरह से अपना काम करेगा। नेक्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साउंडिंग रॉकेट RH यानी रोहिणी 560 लॉन्च किया है। तो हवा और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक भिन्नताओं का होगा अध्ययन। आसानी से किफ़ायती प्लेटफॉर्म के रूप में भी ये काम करेगा। 1 या 2 चरणों वाला ये रॉकेट है जिसका नाम दिया गया है साउंडिंग रॉकेट। ये जो है न्यूट्रल विंड और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक भिन्नताओं का अध्ययन करने वाला साउंडिंग रॉकेट जो है, इसको हवाओं और विंड में और प्लाज्मा की गतिशीलता व्यवहारिक विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए रॉकेट बनाया गया है। श्रीहरिकोटा में इसका जो है प्रशिक्षण और जांच चल रहा है। नेक्स्ट डाउन समाज सुधारक सावित्री बाई फुले का 124वीं जयंती जो है मनाई गई, जो कि 10 मार्च को हुई थी। एक अच्छी समाज सुधारक थी जिन्होंने समाज को एक दशा और दिशा सुधारने का काम भी किया है। नेक्स्ट डाउन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष घोषित किया है, यानी जो जिसमें बहुत सारे पौष्टिक न्यूट्रिशन आहार पदार्थ होते हैं जिन्हीं को देखते हुए जो है वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है जो वर्ष घोषित किया है, यानी जौ को बढ़ावा मिलेगा जिससे कि बच्चों को, यानी बार्ली आप जो बोलते हो बच्चों को दी जाती है, छोटे बच्चों को दी जाती है खाने के लिए। उसमें बहुत सारे पौष्टिक आहार होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कैलोरीज भी मिलती है। तो इसको जो है उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर जो है यूएन काउंसिल ने जो है ये बातें रखी है
और 2023 को जो वर्ष घोषित किया है। चलिए आखिरी चार और टॉप टेन में चार बच्चे को विस्तार से जानते हैं। आखिरी चार सवाल और बचे हैं, उसको विस्तार से जान लेते हैं। तो झारखंड में कोल बेड मीथेन गैस का भंडार मिला है। हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ के कोयला खनन क्षेत्रों में कोल बेड मीथेन गैस का बड़ा भंडार मिला है। यह एकमात्र प्राकृतिक गैस है जिसकी जो है कि तैयारियां कर रही है। धनबाद के झारखंड के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा जिले में कोयला खनन क्षेत्रों में इस गैस की बहुतायत की संभावना है। मीथेन गैस अन्वेषण और संशोधन की प्रक्रिया को लेकर ONGC की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही है, जिससे जो है रसोई गैस जो है सस्ता हो सकते हैं। और ONGC सरकार जो है अब ONGC पर जो है की और कोल बेड मिलने की गैस परियोजना को लेकर जमीनी भी उपलब्ध कराई जा रही है। कई जिलों में जमीन उपलब्ध करा भी दी गई है। नेक्स्ट बता दूँ, विश्व बैंक ने पूर्व दक्षिण एशिया में परिवहन एकीकरण पर रिपोर्ट जारी की है, जिससे परिवहन से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां निकल कर आई है, उभर कर आई है। आने वाले समय में क्या बदलाव किए जाएंगे परिवहन को देखते हुए उस पर जो है बातें की गई है विशेष रूप से। और साफ तौर पर कहा गया कि वैश्विक जो पर्यावरण जो है में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको किस तरह से कम किया जाए, उसके लिए आने वाले समय में 20 साल पे किस तरह से काम किया जाए, वो सभी बातें निकल के आई है। और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने का काम की जा रही है। नेशनल सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियां वाला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसका सेकेंड नंबर पर बात की जाए तो दिल्ली है। तो ये देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर दिल्ली है सबसे ज़्यादा, यानी लगभग 8,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ जो है महाराष्ट्र है। उसके बाद 5,800 समथिंग के साथ यानी 79 के साथ कर्नाटक है। नेक्स्ट मैं बता दूं, 50% तक छूट जाती है ट्रेडमार्क दायर करने पर। राजस्थान सरकार ने रेशमा अधिनियम के तहत प्रदेश में यानी राजस्थान में 6 महीने के लिए चिकित्सा सेवाओं के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। तो रेशमा का विस्तार रूप क्या है मैं बता दूं कि राजस्थान एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत जो है ये राज्य के कर्मचारियों के लिए जो कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं उन पर ये लागू किया गया है। यानी आने वाला 6 महीनों में जो है स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी, फ्रंट एम्प्लॉय जो बोल सकते हैं, वर्कर्स सभी जो है अब वो कोरोना को देखते हुए जो है हड़ताल नहीं कर सकेंगे। तो राज्य सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो आगे चलते हैं, विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको जानते हैं। तो 760 मिलीमीटर दबाव पर पानी का हिमांक यानी ह्यूमिडिटी बिंदु जो है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पोलोनियम, पोलोनियम एक ऐसा रेडियोधर्मी तत्व है जो कि रेडियो से जुड़ी हुई तमाम तरह की कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। एक पुनर्जीवित फाइबर रेयन है, न्यूट्रस ऑक्साइड ऑक्सीकरण और न्यूटन एजेंट के रूप में कार्य करती है। तो ये थी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आज के इस सवाल से आपको काफ़ी कुछ जानकारियां मिली होगी, क्योंकि मैं लगातार नए सीरीज के साथ 5 महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं। और जो कि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, आने वाला रेलवे की जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है NTPC तो चल ही रही है, और ग्रुप डी के एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ ये सवाल आपको मिला है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के छात्रों ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए विशेष प्रकार के रेहड़ी ठेला तैयार किया है जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ संचालन में सरल और सस्ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने यह बताया कि अहमदाबाद के नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट सहयोग से कोविड-19 स्ट्रीट वेडिंग गाड़ियों के डिजाइन के लिए नई और लागत प्रभावी गाड़ियों के मॉडल जो है तैयार किए गए हैं, जो आने वाले समय में काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट बता दूं कि असम आंदोलन और समझौता क्या हुआ था,
स्पेशल टॉपिक पर जो है एडिटर डिस्कशन किया जाता है। तो असम में अवैध विद्रोहियों के खिलाफ चले छात्र आंदोलन से 1984-85 में राज्य की अराजकता की स्थिति बन गई। हालात इतने बिगड़े कि 1984 में कई सीटों पर लोकसभा चुनाव नहीं हो सका। आखिरकार ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू के साथ केंद्र सरकार को समझौता करना पड़ा। 15 अगस्त 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौजूदगी में समझौता हुआ और तय हुआ कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को जाना होगा। इसके बाद विधानसभा भंग कर 1985 में चुनाव हुए जिससे असम गुण परिषद की सरकार बनी और प्रफुल्ल कुमार महंत 32 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने। मैं बता दूं कि पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है, इसके बारे में बता दूं कि वर्ष 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या है। इस वर्ष सभी अलग अलग महत्व हैं सबके। इनमें से वर्ष के समान उत्तरायण और माह के माने शुक्ल पक्ष के देव आत्माएँ सक्रिय रहती हैं। ये अमावस्या और पूर्णिमा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। आई होप आज के क्लास से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, स्वागत। जाते जाते आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं बता दूँ कि आपको सुझाव देना चाहते हैं क्लास के लिए तो जरूर दें, और कल का क्लास आप करना चाहते हो तो उसका लिंक शेयर में कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।